प्राचीन मंदिर श्री गणेश जी के गर्भगृह में बिल्कुल मध्य में श्री गणेश जी स्वयं विराजमान हैं। 700 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है और इसके गणेश जी के दाएं बाएं रिद्धि और सिद्धि माता हैं और आगे जो है वो सूर्य और चंद्रमा हैं। ये भगवान गणेश जी के यहाँ उपस्थिति हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, भर रहे हैं और बहुत ही अलौकिक सुप्रसिद्ध ये मंदिर है। मेरे ख्याल में सब जगह आपको गणेश जी के मंदिर तो मिलेंगे लेकिन रिद्धि सिद्धि और गणेश जी सहित रिद्धि सिद्धि वाला मंदिर जो है वो इकलौता यही है उत्तर भारत में। मंदिर आपको जैसे मैंने बोला कि बहुत प्राचीन है। किसी समय ये मंदिर का जो फर्श है, ग्राउंड फ्लोर है, ये सड़क से ऊंची हुआ करती थी और सड़क नीची होती थी। समय बीतने के साथ अब सड़क ऊंची है, मंदिर चार सीढ़ियां नीचे है। ये सड़क ऊंची हो गई बन बन के और मंदिर नीचे, ये भी एक इसकी प्राचीनता की एक झलक है। श्री गणेश मंदिर अपने आप में प्राचीनता का स्वरूप लिए हुए अभी 7 सितंबर से जो है वो गणेश चतुर्थी उत्सव महोत्सव शुरू होने वाला है जो 17 सितंबर तक चलेगा। प्राचीन मंदिर श्री गणेश जी को ही ये सौभाग्य प्राप्त है अमृतसर में श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू करने का। भारत में तो ये बहुत पहले 1892 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था और लोगों को इकट्ठा करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने के लिए इस पर्व को शुरू किया गया था। ये श्री गणेश चतुर्थी उत्सव जो कि लगभग 11 दिन का होता है, तिथि कम ज़्यादा हो जाए तो एक दिन बढ़ या कम जाता है, तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लगभग सुबह शाम, पहले तो मंदिर पूरा दिन खुला रहता है ये बताना जरूरी है, और सुबह शाम दोपहर सब समय लोग भक्तों का तांता लगा रहता है अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए जो हैं वो लोग मंदिर में आके जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और उनका पाठ गणेश चालीसा, श्री गणपति अथर्व शीर्ष आदि का पाठ करते हैं। सुबह मंदिर कितने बजे खुल जाता है और सारा दिन कैसे बीतता है? उन उत्सव में जो है वो सुबह लगभग 6 बजे के करीब मंदिर खुलता है और उस समय तो पूरा दिन रात को 10 बजे तक खुला रहता है। भगवान का पूजा पाठ तो है ही, साथ में भगवान हरी घास दूरबा से श्री गणेश जी, मूली गन्ना हरे हरी वस्तुओं से जो खाने की हैं चीज़ें, जैसे कोई भी हो पालक है या अन्य, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे भगवान जो है वो भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं चढ़ाने से। उसमें मुख्य रूप में दूसरे वस्तुओं में लड्डू है, मोदक, लड्डू रूटीन में है और जैसे इनकी आरती माता लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा, तो लड्डुओं का भोग तो भगवान को अवश्य ही लगता है, अन्य चीज़ों का कम या ज़्यादा लगे वो अलग बात है, पर हमेशा लड्डुओं का भोग तो लगता ही है, भगवान को चढ़ता है। मोदक इस उत्सव में ज़्यादा चलते हैं तो मोदक भी चढ़ते हैं। जिसके कारोबार में, व्यापार में या अन्य कार्य में रुकावट है, सबको दूर करता है ये मंदिर, अपने आप में सब तरह का फल देने वाला स्थान और व्यक्ति अगर 5 मिनट भी ध्यान लगा के बैठे तो वो पॉजिटिव एनर्जी फील करता है।